आज का क्लास हम लोग चालू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा। भाषा का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होता है जो भी खास करके कंपटीटर यानी जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो इस क्वेश्चन से परिचित होते हैं। यानी अगर सच पूछा जाए मेरे द्वारा या जो भी बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं वो कहेंगे कि भाषा का क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होता है, केवल इसका कुछ कंसेप्ट होता है जिसको हम समझ ले तो ये आपका जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे होंगे उसमें आपका श्योर सेकंड कर देता है ये नंबर। अब सवाल उठता है कि क्या पासा को जो आप नॉर्मली घर में यूज करते हैं आप वो पासा देखे हो तो उस पासे में क्या मिलता है आपको? 1 2 3 4 5 6 छह तक का अंक आता है, 6 डिजिट होता है। क्या उसी पासे पे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो हम उस पासे को याद कर लेते हैं, जाएंगे परीक्षा में बैठेंगे मार देंगे, 1 के पीछे कितना है, 3 के पीछे कितना है, 4 के पीछे। अगर इतना इजी होता तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को लेता ही नहीं, निश्चित किसी अलग नियम पर यह काम करता है। आज इस वीडियो के माध्यम से ये किस नियम पर काम करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जान सब कुछ है इसमें कोई शक नहीं, आप एक कंपटीटर है, आपके पास नॉलेज है तभी आप तैयारी कर रहे हैं, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती है जो छूट जाता है। तुरंत आपको रीजनिंग पढ़ना है, तुरंत आपको मैथ पढ़ना है, तुरंत आपको जीके पढ़ना है, तुरंत आपको जीएस पढ़ना है, ये 4 सेक्शन। और कभी कभी तो आप देखे होंगे कि इंग्लिश का भी कुछ भाग होता है, किसी किसी कंपटीशन में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक विद्यार्थी इतने सारी चीजों को दिमाग में कैसे रखे? बिल्कुल, अगर आज मैं सफल हो पाया हूं तो निश्चित इसी दौर से मैं गुजरा हूंगा, यही दौर मेरे साथ हुआ होगा, तभी आज मैं सफलतापूर्वक यहां पर उपस्थित हो पाया हूं। और साथियों मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि जो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं उनकी सफलता का भी रास्ते में एक दोस्त, एक शिक्षक, अब जिस रूप में आप मुझे देख रहे होंगे उस रूप में मैं चाहता हूं कि आपका साथी बन पाऊं, आपका जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचाने का काम कर सकूं। आते हैं लोग डायरेक्टली अपने मेन टॉपिक पासे पर। पासा यानी डैश, डैश होता है आप दम दिमाग में फिट कर लीजिए, ये दो रूप में काम करता है। पासा का अगर देखा जाए रूप तो पहला रूप हो जाता है मानक रूप और दूसरा होता है सामान्य रूप। यानी जो अभी हम बात किए थे कि जो घर तरफ उन लोगों का खेला जाता है वो आपका पासा जो है ना वो सामान्य मानक पासा होता है। मानक पासा का फंडा एक ही है कि जो आपका अंक दिया रहेगा अगर उसका कुल जोर आपका 7 आ रहा है तो वो मानक पासा नहीं हो सकता है। अगर जोड़ने मान लीजिए जैसे सपोज यहां तो आपका 9 तक है, 7 पासा में 6 तक ही होता है, लेकिन 9-7 है तो ये तो बना मानक पासा हो ही नहीं सकता, ये तो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा क्योंकि भैया 7 से ज्यादा हो जा रहा है, हमको दोनों जोड़ के 7 लाना है। तो मान लीजिए एक तरफ 3 है एक तरफ 4 है, जोड़ के 7 आ जा रहा है, क्या ये मानक पासा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। 3 और 4 जब दी जा रहा है तो हम 3 के पीछे कैसे बताएंगे, क्योंकि दोनों का जोर मानक पासा का था कि दोनों का जोर 7 होना चाहिए था। अब उसके पीछे जो अंक होगा वो 7 बनाएगा, तो अगर 3 और 4 को जोड़ दे 7 बन जा रहा, 3 और 4 दिख रहा है तो कैसे एक दूसरे का पीछे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। चलिए सबसे पहले लोग हाँ एक बात और महत्वपूर्ण बात बता दे रहे हैं, पासे का जो प्रश्न है पहला दूसरा तीसरा ये 3 प्रश्न हम लिए हैं अलग अलग कैटेगरी का। अब तीनों प्रश्नों को लिखने का सबसे बड़ा मजबूरी है कि हम लोगों के पास जो है व्हाइट बोर्ड है। क्वेश्चन को लिखना आपके लिए 4 अलग अलग पासों का निर्माण करना, उन पासों में अंकों को भरना, उनके 4 ऑप्शनों को लिखना अच्छा खासा समय साथियों लग जाता है। इसलिए एक साथ आपको 3 प्रश्न दिख रहा है, आपको ध्यान देना है 1 प्रश्न पर और आप लोगों का लाइक प्यार का बहुत आवश्यकता है। आप अपने साथियों के पास इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करें और भविष्य में अगर हम लोग उस तरह का कंफर्टेबल महसूस करेंगे तो ये जो हम लोगों का व्हाइट बोर्ड है इसको हम लोग चेंज करेंगे और देखते हैं साथियों कब तक ऐसा हो पाएगा। अगर नहीं भी हो पाता है तो निश्चित तौर पर इसी बोर्ड पर आपके कंपटीशन को सफल बनाने के लिए हम लोग इसी बोर्ड पर वीडियो लाते रहेंगे, कंटिन्यूअस लाते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलते हैं हम अपने पासे की ओर।
आज का ये सेशन के बाद आपका पासा की समस्या खत्म। क्या कहता है पासा? पासों की चार स्थितियां नीचे दी गई है, एक की प्रतिकूल स्थिति की संख्या ज्ञात करें। अब आपको बताना है एक के प्रतिकूल क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे एक है, तीन और नौ है। साथियों अब अभी दम दिमाग लगे, सिंपल एकदम घरेलू बोलचाल का भाषा में, मेरे पास पासा नहीं, आपको पासा भी दिखाते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, एक है तो तीन और नौ कभी हो सकता है इसके पीछे, एक है तो तीन नौ होगा, सवाल ही नहीं उठता है। लूडो छक्का का छह भाग होता है, अब छह भाग में तीन भाग आपको दिखा रहा है। अब पूछिए रहा प्रश्न में कि एक के पीछे का होगा, तो एक के पीछे तक तीन और नौ होगा, तो तीन वाला ऑप्शन आपका गया, नौ वाला ऑप्शन गया आपका। अब तो छ और आठ है, एक में कोई एक आंसर होगा। अब साथियों एक दिख रहा है, नौ सात है, तो नौ सात वाला ऑप्शन तो नौ काट ही दिए हैं। फिर बढ़ते हैं, एक और तो कहीं है ये नहीं है, तो अब एक तो काट ही नहीं सकते हैं, तब कैसे होगा आंसर? चार को था, दो को बचा, अभी दो को में एक तो फिक्स है आंसर, और वही एक जो है अंडर नौकरी दे रहा है, पक्का ही गारंटी है। अब वो एक कौन है, कैसे खोजा जाए? खोजने का सबसे आसान तरीका, अब मेरे साथ देखना है कि यहाँ पे नौ सात का कंडीशन अप्लाई हुआ है। साथियों यहाँ नौ सात है कि नहीं है? आपको सामूहिक संयुक्त रूप से जो मिल रहा है नौ सात इसमें भी मिला, नौ सात इसमें भी मिला, तो नौ सात था तो एक दिख रहा था, तो यहाँ नौ सात है तो छह दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर एक हो जाएगा। अब बताइए आपको कहाँ दिक्कत होगा? यूट्यूब में बहुत चैनल आपको मिलेगा पासा संबंधी, आप पूरा सर्च कर लीजिएगा, जब सबसे बढ़िया मेरा लगेगा तभी आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं। एक पासे की नीचे चार स्थितियां दी गई है, तो छह के बिल्कुल सामने कौन सी होगी? आपके सामने चार पासों का निर्माण किया गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और आपसे प्रश्न क्या किया जा रहा है कि छह के बिल्कुल सामने कौन सी होगी, छह के बिल्कुल सामने कौन सी होगी? तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले छह को देखना है, छह किस पासे में है? पहला पासा में है, दूसरे पासे में भी है, तीसरे पासे में भी है, और चौथा पासा में नहीं है। चौथा पासा में नहीं है तो उसको छोड़ देते। अब जिसमें है उसको क्या बता रहा है कि छह है, और ठीक उसके उल्टा में देखना है। तो क्या छह का उल्टा में तीन और दो हो सकता है? कभी पॉसिबल है? कभी नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि छह के पीछे जो अंक होगा, छह के पीछे जो अंक होगा वो कभी भी आपको सामने नहीं दिखाई दे सकता है। तो क्या तीन और दो ऑप्शन में है आपका? तो आप देख रहे होंगे, तो तीन और दो को आप काट दीजिए, ये तीन और दो आपका चला गया। अब आपका क्या बचा? ऑप्शन ए जो है पांच, ऑप्शन बी एक बचा हुआ है। अब या तो आपका पांच होगा नहीं तो एक होगा। मान लीजिए कि आप पांच मार देते हैं, पांच आपका बिल्कुल सही, तो अब इसमें क्या होगा, जब आपका सही हो जाएगा तो आप 1000 लड़का लड़की को पीछे कर दीजिएगा, यानी अपने कंपटीटरों को, और आपका कंपटीटर जब पीछे होगा तो आपका नौकरी एकदम श्योर सर्टेन हो जाता है। लेकिन साथियों ये भी तो हो सकता है कि टुक्काबाजी में अगर पांच मारे थे और पांच गलत हो गया, तो 1000 जो आगे आप होते तब 1000 पीछे आ जाइएगा, यानी 1000 जोड़ 1000 2000 लड़का लड़की से आप पीछे हो जाइएगा, यानी आपके लिए कितना बहुमूल्य है या आपसे बढ़िया कोई नहीं आ सकता है। तब क्या करें? 1000 लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ने के लिए आपको थोड़ा सा अपना आईक्यू को तेज करना होगा। आईक्यू कैसे तेज हो सकता है? क्या मेरे बात सुनने से आईक्यू आपका तेज होगा? सवाल ही नहीं उठता है। मेरे जैसे 10 गो 12 गो 100 गो वीडियो चलाने वाला है, लेकिन साथियों जिस व्यवस्था के तहत हम यहां तक पहुंचे वही व्यवस्था आपको भी देना चाहते हैं, यानी आप एक स्ट्रगल करने वाले बनिए, आपको नौकरी चाहिए। 100 लोगों का भीड़ है, भूल जाइए आप उसको, उसमें नौकरी आपको चाहिए। तो नौकरी आपको चाहिए तो क्या करना होगा? आपको अलग तरीका से मेहनत करना होगा। तो फिर कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए आप, छह है तीन दो दिखा, छह है दो चार दिखा, पांच है छह चार दिख रहा, एक है चार दो दिख रहा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर छह है और पांच यहां दिख रहा है, हमसे पूछा छह का विपरीत, छह में पांच दिख रहा ना, जब छह में तीन अंक दिख रहा तो आप काट दिए, तो छह में पांच नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा तो काट दिया।
अब मेरा तीन ऑप्शन कट गया, क्या बचा? खुद अंतर लीजिए, अब आपके सामने आंसर है या नहीं है। हम कोई भी मानव सामान्य भाषा किसी का प्रयोग नहीं किया है। भाषा का सोल्यूशन दो तरीके से होता है। धन्यवाद साथियों, अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो पासे का भी पहला प्रश्न आप देखे, इसका पैटर्न अलग, उससे भी बेहतर तरीका आपको दूसरे में लगा होगा और दूसरे से भी बेहतर आपको तीसरा में लगेगा। यानी आप हमारे साथ इस चैनल में जब जुड़े रहेंगे तो हर क्वेश्चन के बाद जो है ना आपको ज्यादा कठिन नहीं, आपको और आसान, यानी कि आप क्वेश्चन देखिएगा और आंसर मार के चल दीजिएगा। एक मिनट अगर समय आपको मिल रहा है क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको वादा दिलाता हूं इस चैनल के माध्यम से वो आपका एक मिनट पूरा का पूरा, एक मिनट तो नहीं, तीन मिनट खर्चा जरूर होगा, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो तीन मिनट आपका खर्चा होगा। 57 सेकंड जो है, 57 सेकंड आपका सेव हो जाएगा, बच जाएगा, 3 सेकंड आपका खर्च होगा, 57 सेकंड जो आपको सबसे मजबूत क्वेश्चन लगे जिसमें ज्यादा समय लग रहा है आप बोनस के रूप में उसमें जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास डबल समय हो जाएगा बनाने के लिए। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन नहीं लिख पाए साथियों क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जो है किस बोर्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड में काम कर रहे हैं, यानी हमको सारा प्रश्न को लिखना भी पड़ता है, उतारना भी पड़ता है, तो काफी समय लग जाता है, वीडियो लंबा खींचा जाता है। तो साथियों यहाँ पे प्रश्न होगा कि ठीक जो दो पासा को दिया गया है उन दो पासा पासा को देखिएगा और चार का विपरीत आपको बताना है। प्रश्न को लिख लीजिए नहीं तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा, तो फिर एक काम कीजिए हम लिख देते हैं चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी, चार का विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब चार की विपरीत संख्या को हमको खोजना है, तो अभी आपको हम शुरू में ही जब आपका पासा स्टार्ट किया तो बोले तो दो नियम पे काम करता है, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासा का लॉजिक क्या बताते हैं कि दोनों को जोड़ने पे सात आना चाहिए, अगर सात सॉरी सामान्य पासा जब रहेगा तो दोनों जोड़ने पे सात आ रहा होगा, लेकिन जब सात नहीं आ रहा है तो वो आप समझिएगा मानक पासा में काम कर रहा है। तो क्या चार दो को जोड़ने पे तो सात होगा, नहीं होगा। चार एक को जोड़ेंगे तो सात होगा, नहीं होगा। दो एक को जोड़ेगा तो सात होगा, नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, छह तीन को जोड़िएगा नौ होगा, ये भी नहीं हो पा रहा। दो तीन को जोड़िए पांच होता है, दो छह को जोड़िए आठ होता है। क्या आपको लगा किस एंगल से सात आया, नहीं आया। अगर नहीं आया साथियों तब आपका मानक पासा है, और मानक पासा का आगे और पीछे दोनों को जोड़कर यानी ए प्लस बी को जोड़ दीजिएगा तो आपका रिजल्ट सात देगा। यानी प्रश्न आपका क्या था, चार, मान लेते हैं चार प्लस बी इक्वल टू सात। अब इसको क्या करेंगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सात माइनस चार बराबर तीन, चार के पीछे तीन हुआ, आपके पास एक लॉजिक आ गई जो सबसे इजी लग रहा होगा आपको, या हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कठिन भी लग रहा होगा। चलते हैं इसी को दूसरे तरीका से बनाते हैं। ये पासा अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट नहीं आ पा रहा होगा कोई बात नहीं है, हम इसको एक और तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, दो दो कॉमन है। अब दोनों में जब दो दो कॉमन है तो आप जानते होंगे पासा जो है आपके पास घड़ी होगा ना, घड़ी का जो क्लॉक वाइज होता है यानी घड़ी जो अपनी दिशा 12 1 2 3 4 इस प्रकार से जो बढ़ता है आप उसको उसी तरीका से पढ़िए ना। पहले में क्या है 2 1, उसके बाद फिर ऐसे 4 कर दीजिए। क्या करेंगे थोड़ा सा हम लोग इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 1 4। हो सकता है थोड़ा वीडियो में आपको ना भी दिखे लाइट के कारण, तो मेरे बात को सुनकर आप नोट जरूर कर लीजिएगा, 2 1 4 क्लॉक वाइज में लिखेंगे तो 2 1 4 हुआ। फिर इसको भी क्लॉक वाइज घुमाइए तो ये भी क्लॉक वाइज घूमने के कैसे जाएगा, यानी 2 6 3 उसी के नीचे लिखे 2 6 3। अब साथियों 2 के पीछे 2 हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता है, तो गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि मैच्योर था या मैं मैच्योर अंक आ गया तो आप इसको ध्यान रखिएगा, 2 तो छोड़ गया। देखिए 6 के पीछे 1 के पीछे 6 या 6 के पीछे 4 के पीछे 3 या 3 के पीछे 4, या तो स्पष्ट होगा आप सवाल यही है 4 के पीछे 4 3, यानी आपका ऑप्शन दे दीजिए कहां पे है 3, यहां पे 3 बी में है, बी आपका राइट आंसर इसका। अगर साथियों यह वीडियो आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग इसका पार्ट टू बहुत जल्द लेके आने का कोशिश करेंगे। आप सफलता की ओर इसी प्रकार से बढ़ते रहे, हमारे चैनल को भी सफल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। पासे का 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि घनी कंटेनर के सभी 6 फलकों में अंदर पैक किए गए उपकरणों की स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग करे थे उसमें हम लोगों को अंक दिया गया था, लेकिन अब क्या है आपके पास, भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए हैं। कौन सा चिन्ह चित्र सी के पीछे है? आपको अब ये बताना है इस प्रश्न में कि जहां पर सी लिखा हुआ है ठीक उसके पीछे कौन सा होगा। अंक में तो हम लोग दो तरह का पासे के बात किए थे, दो तरह का पाशा होता है, दो पाशा में था, एक मानव और एक सामान्य पाशा होता था। लेकिन तो कंटेनर के 6 फलकों के पीछे के अंकों को निकालना ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। कठिन क्यों है, क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। यहाँ क्या करा, सी सी के पीछे, अब जहां पे आपका सी दिख रहा है वहां एक्स वाई दिख रहा है, तो पासे वाला ही रूल यहाँ पे भी काम करेगा। एक्स वाई तो होगा नहीं, तो एक्स वाई नहीं होगा तो आप इसको काट सकते हैं आराम से। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचा, ए और बी। तो साथियों ए और बी में से एक निश्चित। अब हम लोग सी को देखें, अगर सी यहां देखते हैं तो यहाँ पे ए और एक्स दिख रहा है, एक्स को ऑलरेडी काट चुके हैं, यहाँ पे तो सी है ही नहीं, यहाँ पे भी सी है नहीं। अब क्या हो सकता है, अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। एक्स वाई था यहाँ पे कॉमन, यहाँ भी एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई है सी दिखा रहा है, एक्स वाई यहाँ है तो जेड दिखा रहा है। आप एक्स वाई का पोजिशन को देख लीजिए, एक्स वाई का पोजिशन भी चेंज है, एक्स वाई का पोजिशन चेंज है तो एक्स वाई का यहाँ भी पोजिशन चेंज है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, जेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए पासे पर कुल अंक दर्शाए गए हैं, बताइए 4 के विपरीत वाली सतह पर कौन सी अंक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 4 के विपरीत यानी ये जो 4 है ठीक इसके उल्टे साइड पर कौन सा अंक आएगा। तो अब साथियों सामने क्या है, एक पासा है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा इसके दिमाग में नहीं लगाइए, क्योंकि दिमाग ज्यादा हम लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन लगा चुके थे 4th क्वेश्चन में, तो वहां समय जो बर्बादी हुआ तो समय बचाएंगे, लॉजिक यही होना चाहिए ना, समय बचना चाहिए। तो बस सीधा सीधी है, आपको इसका क्या करना है, सबका कंडीशन अप्लाई कर देना है। 4 में क्या जोड़िएगा कि 7 होगा, 6 में क्या जोड़िएगा कि आपका 7 होगा, 2 में क्या जोड़िएगा कि आपका 7 होगा। साथियों भले ही हमें प्रश्न एक लिखा हुआ लेकिन हम आपको हर एंगल से बताना चाह रहे हैं कि सबका क्या आंसर आएगा, बस इसमें अप्लाई आपको करना है कि 7 होना चाहिए। तो आपको अच्छी तरह से पता होगा 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 7 हो सकता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। अब साथियों बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पासा में 6 अंक होता है, 6 अंक आपका सामने आ गया, यानी ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, ये मानव सिद्धांत पर कर रहा है, यानी 4 का विपरीत आपको पकड़ना है, तो 4 का विपरीत आप सी के साथ जाइए 3, क्योंकि इसमें देखिए आप 1 और 3 दिया, 1 और 3 दिया, एग्जामिनर जो है आपका 1 नंबर काटने के लिए ये विकल्प दिया, आप जरा से कंफ्यूज मत होइएगा, आपको सीधा सीधे ये मानक सिद्धांत को पकड़ के चलना है कि ये जो सोल्यूशन आया है वो मानक सिद्धांत पे आया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने अन्य साथी जो कंपटीटर हों, जो तैयारी कर रहे हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, अब जहां भी हो शेयर करें, ताकि हम लोगों का जो जोश है, जुनून है, वो आप लोगों के लिए काम आ सके। और अगर यहां तक आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसके आगे का भी पार्ट हम लोग आपके लिए जल्दी तैयार करेंगे। धन्यवाद।